ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो थोड़ा सा डिले हो गया ये वाली रीडिंग डालते डालते, बट आई प्रॉमिस कि मैं टाइमली रीडिंग्स लेकर आऊँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम एक लव ओरेकल लव टैरो रीडिंग करेंगे 1 तारीख से 10 तक की, और इसमें मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशंस हैं, उनकी तरफ से लव ओरेकल मैसेजेस निकालेंगे, एंड फाइनली आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे फॉर 1 तारीख से 10th of December की। फ्रेंड्स, जितनी रेजोनेट हो उतनी लेना, बाकी चीज़ों को अवॉइड कर देना जैसे कि हम हमेशा करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसी पॉजिटिव नोट पे हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से। ओके, ऑल राइट। सो कैप्रिकॉन, आइए देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं। पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालती हूँ। उप्स, क्या हुआ? पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्ड्स आगे नहीं मूव हुए। कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या हो गया? कैप्रिकॉन, बताना नहीं चाहते क्या आप अपने बारे में? ओके, तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकालते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 of Swords, 9 of Cups, 10 of Swords, Ace of Cups। ओके कैप्रिकॉन, टाइम आपके लिए तो मुझे सही दिख नहीं रहा, आप काफ़ी ज़्यादा पेनफुल जोन में हैं फिलहाल। एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, आपने किसी अपने को या तो खोया है या फिर रिलेशनशिप में बहुत ज़बरदस्त एंडिंग आई है जिसकी वजह से, और वो रिश्ता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। ऐसा वैसा कोई एक जनरल रिश्ता नहीं था, कोई टाइम पास रिश्ता नहीं था, बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता था। और उस रिश्ते से बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वक्त का पहिया घूम गया पूरा। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आज से कुछ टाइम पहले तक थी, अब वो सिचुएशन नहीं है। ज़िंदगी एक अलग ही मुकाम पर आपको ले गई है, जो मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। और हालांकि आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मे बी आने वाले टाइम में करना चाहते हैं, और आप ना देखो, एस ऑफ कप्स आया, 9 of Cups आया, लेकिन 10 of Cups नहीं आया। आप देख रहे हो, आपने एक शुरुआत करी, आप एक फुलफिलमेंट लेवल तक भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद 10 of Swords, 9 of Swords, मतलब आपकी लाइफ में बिगनिंग भी हुई, चीज़ें आपको मिली भी सब कुछ, लेकिन फिर उन चीज़ों का अंत हो गया और आप बहुत पेन में दिख रहे हैं मुझे। अब ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखना कैप्रिकॉन, क्या सच में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? आप क्यों पेन में दिख रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, बताना मुझे। मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालती हूँ। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं? पता भी, एक कार्ड खुद गिरा और वो कार्ड था व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये आपके में भी आया था, बट ना मैं ना लेना नहीं चाहती उसे, मैं चाहती हूँ कि खुद आए कार्ड्स जब हम ऐसे उठाएं ना। हालांकि जब गिरता है ना कोई कार्ड तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद आना चाहता है या बताना चाहता है, ये वीडियो ये मैसेज में आना चाहता है। डेथ, 4 of Swords, हैंग्ड मैन, 7 of Swords, 8 of Swords। कैप्रिकॉन, आपके पार्टनर के भी कार्ड्स बहुत पेनफुल आए हैं। कैप्रिकॉन, डेफिनेटली कोई रिश्ते में बहुत ज़बरदस्त एंडिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आई है, एक हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हैं, पर्सन भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में आप मानोगे कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना कन्फ्यूज्ड है वो अपनी लाइफ में। बिट्रेल मिला है उन्हें बहुत ज़बरदस्त, या तो आपसे मिला है या उन्होंने दिया है, या बहुत ज़बरदस्त बिट्रेल मोड में है, और वो अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहे कि चीज़ों को अब वो कैसे करें आगे। अभी ना मैं सच बताऊं तो उन्होंने सब भगवान पे छोड़ दिया, उन्होंने एक एक चीज़ एक एक बात उन्होंने सब सोचा कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ भगवान पे छोड़ दूँ, भगवान ही मेरे लिए कुछ करेगा, ऐसे वाले जोन में आ गए हैं। कुछ भी अभी वो एक्शन नहीं ले रहे, हाथ पैर उनके बंधे पड़े हैं, ऊपर वाले को देख रहे हैं,
इस डेथ बिगनिंग से कहीं ना कहीं बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, देख रहे हो। टेन ऑफ कप्स जो आपके में नहीं आया था वो आपके पार्टनर में आ गया, वो ये चाहते थे आपके साथ, पर ये चीज़ें हुई नहीं, वैसी हुई नहीं, ये हैप्पी फैमिली बनी नहीं उनकी जो वो चाहते थे आपके साथ। आई डोंट नो क्या हुआ आप दोनों के बीच में, बट कैप्रिकॉन थिंग्स आर नॉट गुड। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखते हैं, क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर। When it comes to the matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. So, जब भी दिल की बात आती है, कुछ भी सही या गलत नहीं होता. But yes, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी और प्यार के बारे में एक understanding बनाती हैं कि देखो, ज़िंदगी को जीने का एक ये तरीका था, एक ये एक इस तरीके से चीज़ों को समझना था और सामने वाले को समझना था, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। तो बेसिकली आपकी जो पार्टनर है वो ये कह रहे हैं कि भाई अब ना एक दूसरे के बारे में या इधर उधर लोगों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के बारे में सोचो, एग्जैक्टली सोचो कि लाइफ में आगे करना क्या है, फोकस किस पे रखना है। खुद पे फोकस रखो, दूसरों पे नहीं, ठीक है। खुद को टाइम दो, थोड़ा सा सोचो बैठ के कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। अब ये देखो आप इन चीज़ों से कितना रेजोनेट करते हो मुझे नहीं पता, बट करते हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। सो गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइडेंस दे फॉर कैप्रिकॉन। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन, सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा पता है क्या होता है? हार्ट चक्रा, हार्ट हमारे दिल का चक्रा। तो अगर आपने अपने दिल के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए हैं या उससे आप सोचना ही छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं अपने दिल को खोलो, दोबारा से सोचो चीज़ों को क्या है एग्जैक्टली। दिल से सोचो यार, दिल से सोचो, दिमाग से मत सोचो। और दिल की बातों को, ये दिल की रीडिंग देख रहे हो आप, लव रीडिंग देख रहे हो, इसमें दिमाग नहीं चलाना है, इसमें दिल चलाना है, ठीक है। अगला, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो मे बी आप शायद कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक ऐसे मोमेंट पे आ गए हो जहाँ पे आप बोर हो गए हो, लाइफ आपको कुछ सरप्राइजेस नहीं दे रही, कुछ खुशी नहीं दे रही। वो पता है क्यों हो गया? क्योंकि आपने अपने दिल को ही बंद कर दिया। आप अपने दिल को खोलो ना, उसे मौका तो दो, चीज़ों को समझो तो सही, तभी तो आपको मौका मिलेगा, तभी तो लाइफ आपको देखेगी, समझेगी, सरप्राइजेस देगी। जब आपने, देखो, सच्चे लोगों के लिए दिल के रास्ते खोल दो, गलत लोगों के लिए नहीं, ठीक है। सो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए रीडिंग। होप इससे आप मैच कर पाए हो। एनर्जी क्लेम करना अगर रीडिंग मैच हुई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।